गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट अर नेक्स्ट चैप्टर आफ्टर ट्वेंटी इयर्स बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर लेट्स डिस्कस अबाउट द ऑथर ऑफ द चैप्टर यू कैन सी हेर ऑन द राइट ऑफ द पेज इंट्रोडक्शन इज गिवन अबाउट आवर ऑथर विलियम सिडनी पॉटर नोन बाय हिज पेन नेम ओ हेनरी विलियम सिडनी पॉटर को हम उनके पेन नेम से जानते हैं ओ हेनरी वॉज एन अमेरिकन राइटर ही वॉज एन अमेरिकन राइटर he is credited for over writing over 250 stories that are known for their surprise endings. o henry ne jitni bhi stories likhi hain unki endings ke liye ye bahut mashhoor hai inki stories for the surprise he is widely known and appreciated for his short stories और ये बहुत जाने जाते हैं अपनी short stories के बारे में अब ये uh, after ट्वेंटी years भी इनकी एक short story है और ये भी बहुत interesting है Let's read.

प्लेस जैसे आ, कोई शॉपिंग मॉल हो गया या कोई किसी का बिजनेस है वहाँ पे कोई शोरूम है तो वो पूरी मार्केट प्लेस टाइप एरिया है जहाँ पे सबका बिजनेस है वहाँ का सीन है इट बिगिंस विद द पुलिस मैन और ये स्टोरी कैसे स्टार्ट होती है पुलिस मैन से हु डिस्कवर मैन स्टैंडिंग इन अ डार्क डोर जो रात के अंधेरे में एक आदमी को देखते हैं और द मैन देन प्रोसीड्स टू एक्सप्लेन वाई ही इज देयर और जो आदमी उनको दिखाई देता है वो एक, अपनी एक्सप्लेनेशन देता है कि वो यहाँ पर क्यों है वो इतनी रात को अंधेरे में क्या कर रहे हैं तो लेट्स रीड द चैप्टर द पुलिस मैन ऑन द बेट मूव डू इम्प्रेसिवली ऑन द बेट आपकी बुक में मीनिंग्स भी दिए हुए द बेट एन असाइन रूट ऑफ ए पुलिस मैन अब जो पुलिस मैन जिस जिनके साथ ये स्टोरी स्टार्ट होती है द पुलिस मैन ऑन द बेट वो अपने असाइंड रूट पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं यानी जैसे उनके अंडर जो एरिया आता है उस पुलिसमैन के अंदर वो अपने असाइन किए हुए एरिया में पेट्रोलिंग करें पेट्रोलिंग करना मतलब घूम रहे हैं मूव एवेन्यू इम्प्रेसिवली और वो जो उनका वॉकिंग स्टाइल है घूमने का स्टाइल है बड़ा इंप्रेसिवली है भाई उनको पता है कि ये मेरा एरिया है यहाँ पर मुझे पेट्रोलिंग करनी है तो आ, वो बड़े इंप्रेसिव वे में घूम रहे हैं द इम्प्रेसिवनेस वॉज हैबिचुअल एंड नॉट फॉर शो फॉर स्पेक्टेटर्स फॉर फ्यू भाई जो उनकी इम्प्रेशन जो हमारे पर पड़ता है उनका इम्प्रेसिव स्टाइल जो है वो हैबिचुअल है कोई शॉफ नहीं कर रहे वहाँ क्योंकि वहाँ पर स्पेक्टेटर्स तो है ही नहीं उन्हें वहाँ रात के अंधेरे में भाई कोई दर्शक थोड़ी ना है जिनके लिए वो अपना इम्प्रेसिव स्टाइल दिखाएंगे तो वो उनका बड़ा हैबिचुअल था द टाइम वॉज बेयरली टेन ओ क्लॉक एट नाइट बट चिली विंड विद द टेस्ट ऑफ रेन इन दैम हेट वेल नीड डी पीपल द स्ट्रीट भई रात के दस बजे का टाइम है चिली गस्ट ऑफ विंड ठंडी हवा जिसके साथ ऐसा लग रहा है कि बारिश की भी फीलिंग आ रही है यानी ओस जैसी ठंडी हवा आ रही है और जिसकी वजह से उसने उन्होंने उस हवा की वजह से उस ठंड की वजह से जिसने डी पीपल्ड कर दिया गलियों को डी पीपल्ड यानी बिल्कुल कंप्लीटली वहाँ से हटा दिया एम्प्टी कर दिया गलियाँ बिल्कुल सुनसान खाली पड़ी हैं सर्दी की वजह से रात को The The vicinity Vicinity was was one 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 that that kept kept early early hours. hours. मतलब, बिस्तर में, में जा चुके थे सब सो चुके थे वहां पर इतनी सर्दी थी कि सब लोग रात को अवॉइड करते थे बाहर निकलना और वो जल्दी सो जाते थे नाउ एंड cigar ऑफ or और एंड ऑल नाइट लंच काउंटर बस आप कुछ रात के टाइम में अगर देख सकते थे तो जो सिगार स्टोर होते हैं उनकी लाइट्स लाइट्स ऑफ द सिगार स्टोर यानी सिगरेट्स जहाँ पर बिकती हैं उन स्टोर रूम्स की लाइट जली हुई थी और या फिर जो सारी रात लंच प्रोवाइड करने वाले यानी खाना देने वाले रेस्टोरेंट खुले थे जो पूरी रात खुलते हैं उसके अलावा वहाँ पर कुछ भी नहीं था बट द मेजोरिटी ऑफ द डोर्स बिलोंग टू बिजनेस प्लेसेज दैट हैड लॉन्ग सेंस बीन क्लोज लेकिन बट मेजरिटी क्या थी कि सब कुछ बंद हो चुका था उस बिजनेस एवेन्यू में अबाउट ऑफ सर्टेन वेट वेटे पुलिस यानी वो पुलिस मैन जब अपनी पेट्रोलिंग कर रहे थे घूम रहे थे तो अचानक से अपने आधे रास्ते में वो अचानक से उन्होंने अपनी वॉकिंग को थोड़ा स्लो डाउन कर लिया अपनी चाल को थोड़ा धीमा कर लिया इन द डोर वे ऑफ ए डार्कन हार्डवेयर स्टोर अंधेरे के टाइम एक हार्डवेयर स्टोर के बाहर जहाँ अंधेरा था उन्होंने दीवार के सहारे लग के खड़ा हुआ है जिसकी सिगार जली नहीं हुई अनलाइटेड सिगार ही नहीं उसके मुंह में एक बिना जली सिगार थी एज द पुलिस मैन वॉकडअप टू हिम द मैन स्पोकअप क्विकली जैसे ही पुलिस मैन उसकी तरफ जाता है तो वो जो आदमी था जो खड़ा था वो हटबड़ाहट में बोलना शुरू हो जाता है इट्स ऑल राइट ऑफिसर ही सेड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर अ फ्रेंड इट्स एन अपॉइंटमेंट मेड ट्वेंटी ईयर्स अगो साउंड्स साउंड लिटिल फनी टू यू डजेंट इट अब वो बोलना क्या शुरू करता है ऑफिसर यहाँ पे सब कुछ ठीक है मैं बस अपने फ्रेंड की वेट कर रहा हूँ और मेरी फ्रेंड के साथ अपॉइंटमेंट है आज जो हमने ट्वेंटी ईयर्स बिफोर सेटल की थी यानी बीस साल पहले हमने यहाँ पे अपनी मीटिंग फिक्स करी थी कि आज हम यहाँ पे मिलेंगे साउंड लिटिल फनी टू यू इट शायद आपको ये बड़ा फ़नी लगे सुनने में वेल आई एल एक्सप्लेन इफ यू वुड लाइक टू मेक सर्टेन इट्स ऑल स्ट्रेट वेल मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा अगर आप सुने अबाउट दैट लॉन्ग लॉन्गो देर यूज रेस्टोरेंट वेयर दिस स्टोर स्टैंड बिग जो ब्रैडिज रेस्टोरेंट बहुत टाइम पहले यहाँ पर एक जहां हूँ वहाँ पर एक रेस्टोरेंट हुआ करता था और उस रेस्टोरेंट का नाम था बिग जो रेस्टोरेंट अंटिल अगो द इट डाउन देन हाँ हुआ करता था पुलिस मैन कहता पांच साल पहले भी था बट पांच साल पहले उसे तोड़ गिराया था द मैन इन द डोर अ मैच एंड लिट इज सिगार अब वो जो आदमी था उसने अपनी माचिस को जलाया और अपनी सिगार को जलाया

एंड ए लिटिल वाइट स्कार नियर इज राइट आईब्रो और उसके राइट आईब्रो के पास एक सफेद रंग का निशान था वॉज ए लार्ज डायमंड पिन जो गले में पहनते हैं वो भी उस, वो एक डायमंड की पिन लगी हुई थी उसके ऊपर जो बड़े अजीब तरीके से सेट की गई थी ट्वेंटी ईयर्स अगो टू नाइट सेट द मैन अब वो मैन अपनी स्टोरी सुनाना स्टार्ट करता है कि बीस साल पहले आज ही के दिन आई डाइंड हेयर एट बिग जो ब्रैडीज विद जिमी वेल्स यानी बीस साल पहले आज ही के दिन मैंने यहाँ पर खाना खाया था फूड किया था यानी डिनर किया था जिमी वेल्स के साथ माय बेस्ट चम मेरा बेस्ट फ्रेंड एंड द फाइनेस्ट चैप इन द वर्ल्ड ही एंड आई वर रेज हेयर इन न्यूयॉर्क मैं और मेरा दोस्त हम दोनों एक साथ बड़े हुए थे न्यूयॉर्क में जस्ट लाइक टू ब्रदर्स टूगेदर्स जैसे दो बड़े भाई बड़े होते हैं एक साथीन ईयर दो साल बड़ा था बीस साल का वेस्ट टू मेक माई फॉर्चून यू कुडेंट है ओनली प्लेस ऑन आर्थ हम दोनों ने एक साथ डिनर किया था क्योंकि अगली सुबह मैं वेस्ट की तरफ यानी पश्चिम की तरफ जाने वाला था वेस्ट वर्ल्ड uh, की तरफ अपना भविष्य सुधारने के लिए अपना भविष्य बनाने के लिए लेकिन हाँ भाई जिमी वेल्स को बाहर नहीं निकाल सकते न्यूयॉर्क के लिए क्योंकि उसके लिए तो न्यूयॉर्क ही एक जगह थी जहाँ पे वो रहना चाहता था वेल वी एग्रीड दैट नाइट दैट वी वुड मीट हेयर अगेन एग्जैक्टली ट्वेंटी ईयर्स फ्रॉम द डेट एंड टाइम नो मैटर वट अवर कंडीशंस माइट बी और फ्रॉम वट डिस्टेंस वी माइट है कम तो हमने बीस साल पहले आपस में डिसाइड किया था कि हम बीस साल बाद आज ही के दिन इसी टाइम पर वापस मिलेंगे और कोई मैटर नहीं करती कि हमारी कंडीशंस कैसी भी हो और हमें कितनी ही दूर से आना पड़े वी फिगर दैट इन ट्वेंटी ईयर्स ईच ऑफ ऑट टू हैव our डेस्टिनी worked आउट एंड our फॉर्चून मेड वट एवर देवर गोइंग टू बी और फिर बीस साल पहले जो हमने डिसाइड किया था आज ही के दिन मिलना और हम अपनी डेस्टिनी कि हमारी डेस्टिनी हमें कहाँ लेके हमारा भविष्य हमें कहाँ लेकर गए और हम क्या बन गए हम ये सब डिस्कस करेंगे इट्स साउंड्स ब्रिटी इंटरेस्टिंग सेव द पुलिस मैन आप पुलिस मैन कहते हैं भाई ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है रादर अ लॉन्ग टाइम बिटवीन मीटिंग दो इट सीम्स टू मी हैवंट यू हर्ड फ्रॉम योर फ्रेंड्स सिंस यू लेफ्ट भाई इतना लंबा टाइम हो गया तुम लोगों ने मीटिंग फिक्स किया क्या आपस में तुमने कभी एक दूसरे से मिलने की कोशिश नहीं करी मिलना इन द सेंस कभी एक दूसरे के बारे में पता करने की कोशिश की भाई कहाँ है क्या तुम दोनों ने कभी एक दूसरे से बात नहीं की थ्रू द लेटर और थ्रू द फोन वेल यस फॉर अ टाइम वी कॉरेस्पॉन्डेंट हाँ कुछ समय तक तो हम टच में रहे सेट द अदर बट आफ्टर ईयर और टू वी लॉस्ट ट्रैक ऑफ ईच अदर लेकिन एक दो साल बाद के बाद हमारे एड्रेसेस चेंज हो गए यू सी द वेस्ट इज अ प्रटी बिग प्रोपोजिशन एंड आई कैप्ट हसलिंग अराउंड ओवर इट प्रटी लिवली अब यहाँ पर वो मैन कहता है देखिए सबसे पहले हम मीनिंग देखेंगे कैप्टप्ट हसलिंग ओवर इट पेटी लिवली यहाँ पर इसका मीनिंग दिया हुआ है ट्रेवल अराउंड अ लॉट एंड लेड अ हेक्टिक लाइफ अब कहते हैं कि आपको तो पता है हमारे एड्रेस चेंज हो गए थे और वेस्ट की जो साइड है वो कितना बड़ा काम है वहाँ पर सब लोग बिजी रहते हैं और मैं भी बिल्कुल बिजी रहा और बहुत दूर दूर तक मुझे मेरा शेड्यूल बड़ा हेक्टिक था बट आई नो जिमी विल मीट मी हेयर इफ़ ही इज़ अलाइव लेकिन मैं जानता हूँ कि अगर जिमी जिमी मेरा फ्रेंड जिंदा है तो वो मुझे आज मिलने जरूर आएगा फॉर ही ऑलवेज वॉज द ट्रूएस्ट क्योंकि वो अपने वादे का पक्का है स्टॉन्चस ओल्ड चैप मोस्ट फेथफुल पर्सन इन द वर्ल्ड द मैन सेज दैट हीज़ फ्रेंड जिमी वेल्स इज द मोस्ट ट्रस्टफुल पर्सन इन द वर्ल्ड ही विल नेवर फॉरगेट वो कभी नहीं भूलेगा आई केम थाउजेंड माइल्स टू स्टैंड इन दिस पार्टनर टर्म्स अप और मैं इतनी दूर से हजारों मील दूर आ, की डिस्टेंस तय करके आई हूँ तो अगर मेरा पुराना फ्रेंड मुझसे मिलने आता है तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा लगेगा द वेटिंग मैन पुल्ड आउटसम वॉच द लेड्स ऑफ इट से इट वॉज एग्जैक्टली टेन ओ क्लॉक मैन बी पार्टीड हेयर एट द रेस्टोरेंट डोर आपको जो मैन वेट कर रहा था अपने फ्रेंड की तभी वो आ, अपनी वॉच निकालता है फुल्ड आउट यानी अपनी स्लीव में से वॉच को देखता है जिसकी जो सुइयाँ थी वो डायमंड की थी छोटे छोटे डायमंड की बनी हुई थी वो कहता है कि दस बजने में तीन मिनट है और हम एग्जैक्टली exactly दस बजे एक दूसरे से अलग हुए थे डेट प्रटी वेल आउट वेस्ट डिडन्ट आज द पुलिस मैन अब पुलिस मैन जब उसकी डायमंड वॉच को देखता है तो कहता है तुमने शायद बहुत धन कमा लिया है वेस्ट में जाके यू बेट आई होप जिमी हैज़ डन हाफ एज वेल ही वॉज अ काइंड ऑफ प्लॉडर दो गुड फेलो एज ही वॉज अब वो मैन कहता है जिमी ने भी कमा लिया होगा इतना ही धन इतना नहीं तो मेरे मैंने जितना कमाया उसका आधा तो उसने जरूर कमाया होगा क्योंकि प्लॉडर प्लॉडर मीन्स अ स्लो एंड स्टडी वर्कर स्लो वो बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है मेरा फ्रेंड जिमी दो गुड फेलो वो एक अच्छा इंसान भी है साथ साथ आई हैव हैड टू कम्पीट विद सम ऑफ द समस्ट विट्स टू गेट माई पाइल गेट माई पाइल मीन्स माई फोर्चून रेफर्स टू द मनी ही हैड वो सीट आई हैव हैड टू कम्पीट विद सम ऑफ द शार्पेस्ट विट्स गोइंग टू माई पाइल हाँ वो कहता है उस, उसने भी बहुत पैसा कमा लिया होगा बहुत हार्ड वर्किंग मैन है यहाँ पर इसका मीनिंग यही आता है अ मैन गेट्स इन अ ग्रूव इन न्यूयॉर्क इट टेक्स द वेस्ट टू पुट अ रेजर एज ऑन हिम यस अ मैन गेट्स इन अ ग्रूव गेट्स इन गेट्स इन अ रूटीन एक आदमी जो भाई न्यूयॉर्क में रहता है वो अपने फ्रेंड के बारे में बताता है कि उसका डेली का शेड्यूल ही यही है इट टेक्स द वेस्ट टू पुट अ रेजर एज ऑन हिम अगर वो वेस्ट की तरफ जाता है तब उसकी लाइफ में कुछ चेंज आता है द पुलिस मैन ट्वेल्ड हिज क्लब एंड टू के स्टेप और टू अब वो जो पुलिस मैन था उसने अपना रास्ता चेंज कर लिया मुड़ गया और वो एक दो कदम आगे गया आई विल बी ऑन माई वे होप योर फ्रेंड कम्स अराउंड ऑल राइट मैं अपने रास्ते पर हूँ uh, मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हारा दोस्त अपने टाइम पर आ जाए गोइंग टू कॉल टाइम ऑन हिम शार्प ये देखिए कॉल टाइम ऑन हिम शार्प हेयर लीव इफ़ ही डजेंट अपियर ऑन टाइम अब वो पुलिस मैन कहता है कि तुम भी चले जाना अगर वो तुम्हारा फ्रेंड शार्प टाइम पर नहीं आता तो एग्जैक्ट टाइम पर आई शुड नॉट आई शुड से नॉर्ट से दर कहता है not, say not, say that, 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 that. नहीं मैं जो ना ना कहना चाहिए आई विल गिव हिम हाफ एन आवर मैं आधा घंटा तो अपने दोस्त को दूँगा एट लीस्ट इफ़ जिम इज अव नॉर्थ ही विल बी हेयर बाई दैट टाइम सो लॉन्ग ऑफिसर तो कहता है कि अगर मेरा दोस्त जिंदा है तो वो जरूर आएगा

अब वो रात ठंड धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी धीरे धीरे द फ्यू पेडेस्ट इन द नेबरहुड हरिड डिस्मली एंड साइलेंटली अलोंग विद कोट हाई एंड पॉकेटेड हैंड द फ्यू पेडेस्ट्रियंस इन द नेबरहुड ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है हर डिस्मली वॉकड क्विकली इन चेयर चेयरलेस वे डिस्मल वैसे होता है सैड एक्सप्रेशन इसलिए ये बोला हुआ चेयरलेस

उसके पॉकेट्स में होते हैं एंड इन द डोर ऑफ द हार्डवेयर स्टोर वहीं पे आता है जहां पे वो आदमी खड़ा था द मैन हु हैड कम थाउजेंड माइल्स टू फिल एन अपॉइंटमेंट यानी कि यहाँ पे बताया गया जो आदमी खड़ा था जो पुलिस मैन से बात कर रहा था वो वहां पे खड़ा था और कुछ कदम दूरी से उसको दिखाई दिया कि एक ओवर कोट पहने हुए एक आदमी उसकी तरफ आ रहा है जिसके दोनों हाथ उसकी पॉकेट में और वहीं पर आकर खड़ा हो जाता है टू फिल एन अपॉइंटमेंट जो अपॉइंटमेंट फिल हो गई थी जो अपॉइंटमेंट उन्होंने फिक्स की थी उसको फिल करने के लिए अनसर्टेन ऑलमोस्ट अनसर्टेन ऑलमोस्ट ऑफ एब्जर्डरी विद द फ्रेंड ऑफ़ हिज यूथ स्मोक्ड इज सिगार एंड वेटेड बड़े अजीब तरीके से आता है लेकिन विद द फ्रेंड ऑफ इज़ यूथ अपने यंग दिनों के फ्रेंड से मिलने के लिए स्मोकड इज सिगार एंड वेटेड वो अपनी शिगार को स्मोक कर रहा होता है और इंतज़ार कर रहा होता है अबाउट ट्वेंटी मिनट्स वेटेड बीस मिनट तक वो, वो वेट करता है

इज़ दैट यू जिमी वेल्स क्राइट द मैन इन द डोर यस अब वो आदमी आता है सीधा पूछता है तुम बॉब हो वो डाउटफुली पूछता है वो कहता है आप जिमी वेल्स हो क्राइड द मैन इन द डोर कहता है तुम जिमी वेल्स हो ब्लेस माई हार्ट एक्सक्लेम द न्यू अरावल ग्रास्पिंग द अदर्स हैंड विद ओन इट्स बॉब श्योर एज फेट आई वॉज सर्टेन आई वुट फाइंड यू हेयर इफ़ यू वर स्टिल इन एग्जिस्टेंस अब वो आदमी जो आता है उसके पास वो कहता है तुम बॉब हो और वो उससे पूछते तुम जिमी वेल्स हो और वो बहुत दोनों खुश हो जाते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और वो कहता है मुझे पक्का था कि मैं तुमसे ज़रूर मिलूंगा आई वॉज सर्टेन आई वुड फाइंड यू एज इफ यू वर स्टिल इन एग्जिस्टेंट अगर तुम यहाँ पर हो जिंदा हो और तुम यहीं पर हो तो मैं तुमसे ज़रूर मिलूँगा मैंने बहुत दिनों से ये सोचा हुआ था वेल 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 ट्वेंटी ईयर्स इज अ लॉन्ग टाइम द ओल्ड रेस्टोरेंट गोन बॉब आई विश इट हैड लास्टेड so we could have had another dinner there how has the west treated you old man अब जिमी वेल्स से पूछता है कि well well 20 साल का time बहुत लंबा time है और वो restaurant भी नहीं रहा तो आई विश अगर वो यहाँ पर होता रेस्टोरेंट तो आज हम फिर से डिनर करते और वो पूछता है कि वेस्ट साइड में तुमने क्या कमाया कैस क्या, कैसा व्यवहार रहा वहाँ के लोगों का तुम्हारे साथ It has given me everything I ask it for you. You have changed lots, Jimmy. I never thought you were so tall by two or three inches. इंचज सब वेस्ट uh, ने मुझे सब कुछ दिया तुम बहुत बदल गए हो Jimmy. तुम uh, पहले से दो तीन इंच मुझे लंबे ही दिखाई दे रहे हो ओ आई ग्रू अबेट आफ्टर आई वर्स ट्वेंटी हाँ वो कहता है हाँ मैंने बीस साल की उम्र के बाद दो तीन इंच मेरी हाइट बढ़ी थी डूइंग वेल इन न्यूयॉर्क जिम्मी क्या तुम Uh, जिम अब वो जिमी से पूछता है तुम्हारा कैसा चल रहा है जिमी न्यूयॉर्क में मॉडरेटली आई हैव पोजीशन इन वन ऑफ द सिटी डिपार्टमेंट्स कम ऑन बॉब विल गो अराउंड टू अ प्लेस आई नो ऑफ एंड हैव अ गुड लॉन्ग टॉक अबाउट ओल्ड टाइम्स अब वो कहता है मेरा टाइम भी बहुत ठीक ठाक रहा चलो हम आगे चलते हैं बॉब मैं एक जगह को जानता हूँ वहाँ पर बैठ के हम अपने पुराने टाइम की बहुत सारी बातें करेंगे द टू मैन स्टार्टेड अप दीट आम इनाम एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के दोनों आदमी साथ साथ चलने लग जाते हैं एक तो अपने खुशनिंग टू आउट दिस्ट्री ऑफ हिज कैरियर वो अपने कैरियर की हिस्ट्री सुनाना शुरू हो जाता है दर समिसन विद इंटरेस्ट और जो दूसरा आदमी था वो ओवर कोर्ट में उसने अपने आप को छुपाया हुआ था वो बड़ा ध्यान से सुन रहा था इंटरेस्ट से एट द कॉर्नर स्टूड अ ड्रग ड्रग स्टोर ड्रग स्टोर यहाँ पे मेडिकल शॉप एक कोने पे दुकान थी ड्रग स्टोर ब्रिलियंट विद इलेक्ट्रिक लाइट्स बहुत रोशनी थी वहाँ पे वैन दे केम इन टू दिस ग्लेयर ईच ऑफ देम टर्न साइमल्टेनियसली टू गेज अपॉन द दस फेस जैसे ही वो उस रोशनी में आते हैं दोनों एक दूसरे का चेहरा बेताबी से देखने के लिए देखते हैं कि रोशनी में एक दूसरे को देखना चाहते हैं

ट्वेंटी इयर्स माना लॉन्ग डिस्टेंस होता है लॉन्ग टाइम होता है लेकिन इतना भी लंबा नहीं होता कि किसी दूसरे आदमी की नाक ही चेंज कर दे नोज की शेप ही चेंज कर दे रोमन टू ए पग मतलब कि हेयर टू डिस्टिंक्टली शेप्ड नोजेज कि जैसे हम चाइनीज जैपनीज को अलग से ही पहचान कर लेते हैं उनकी आईज स्ट्रक्चर से सिमिलरली वो कहता है कि रोमन पग में कैसे चेंज हो जाए इट्स चेंजेस अ गुड मैन इन टू अ बैड मैन भाई इतना लंबा टाइम एक अच्छे आदमी को बुरे में तो बदल सकता है सेट द टोलमैन यू हैवीन अंडर अरेस्ट फॉर टेन मिनट सिल्की बॉब अब वो दूसरा आदमी कहता है हाँ इतना लंबा टाइम होता है कि एक अच्छा आदमी बुरे आदमी में बदल सकता है वह दूसरा लंबा आदमी से कहता है आप पिछले दस मिनट से अरेस्ट हो सिल्की बॉब चिकागो थिंग्स यू मे है चैट विद यू चिकागो थिंग्स चिकागो क्या है यह चिकागो पुलिस हेडक्वार्टर यानी पुलिस हेड क्वार्टर ने सोचती है कि तुम अपना रास्ता बदल सकते हो अगर आ, तुम्हें पता चल गया कि तुम आ, अंडर अरेस्ट हो एंड बायर्स शी वांट्स टू हैव अ चैट विद यू शी चिकागो इन इंग्लिश शी इज यूज्ड टू रेफर टू सिटी यानी चिकागो की सिटी आपसे बात करना चाहती है वहाँ के पुलिस आपसे बात गोइंग क्वाइटली गोइंग क्वाइटली आर यू यू विल कम अलोंग विदाउट अ स्ट्रगल वॉन्ट यू अब आपको हमारे साथ बिना किसी शरारत करें आपको चलना पड़ेगा दैट सेंसीबल नाउ बिफोर वी गो टू द स्टेशन आई वॉज आड टू यू इससे पहले हम पुलिस स्टेशन पहुंचे आपके यहाँ आपके लिए मुझे एक नोट दिया गया आपको देने के लिए यू मे रीड इट हेयर एट द विडो इट्स फ्राम पेट्रोल मैन वेल्स अभी जो आदमी आपसे मुझसे पहले मिला था पुलिस मैन ये उसकी तरफ से नोट है द मैन फ्रॉम द वेस्ट अनफोल्डेड द लिटिल पीस ऑफ पेपर हैंड

मेट विद बॉब एट वेरी फर्स्ट टाइम जो पुलिस मैन पेट्रोलिंग कर रहा था और जो बॉब से पहले मिला था वही जिमी वेल्स था वो जिमी वेल्स बन के एक्चुअली वो नहीं था उसने किसी सिंपल मैन को आ, अरेस्ट करने भेजा मिस्टर बॉब को और मिस्टर बॉब एक भागावत क्रिमिनल था जो वेस्ट से आया था और न्यूयॉर्क में आके छुप गया था तो पुलिस मैन ने उसकी आइडेंटिटी जब उसने सिगार जलाई थी तब उसको पहचान लिया और फिर वो वहाँ से चला गया ओके तो जिमी वेल्स वॉज द पुलिस मैन इट्सल्फ आई होप द चैप्टर इज़ क्लियर दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर थैंक यू